अभी कॉर्बेट में हूँ अपने चयन कॉटेजेस में, और ये दो मोर इधर आए हुए हैं। ये सामने जंगल का व्यू, जो हमारा शेर की दहाड़ और हमारी दौड़ वाला वीडियो था वो मेरे ख्याल से उस जगह का था। आगे का यहाँ से ट्रैक करके हम गए थे और वहाँ से नीचे उतरे थे, तो थोड़ा आगे उधर कहीं करा होगा, थोड़ा और आगे का, लेकिन वो इसी जंगल की बात थी। यहीं जो रवीन है नीचे, जो मेरी स्टोरीज में आप सुनते हो, पहाड़ी नाला रवीन, वो यही है सामने। और ये नीचे लॉन्स वगैरह हैं, और ये पनगोट वाले जो हिल्स हैं, नैनीताल वाले, उनका व्यू आ रहा है। और कुत्ता भौंक रहा है, इसका मतलब लेपर्ड भाई साहब वापस लौट रहे हैं। ये है अपना रूम, इसमें आज हमें एक ट्रैक पे जाना है। ये डबल बेड रूम है, दो डबल बेड, अटैच वॉशरूम, लग्जरी रूम है। और सुबह जो है बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी है। दोस्तों अभी अभी कॉर्बेट में अपनी जो कॉटेज है, चयन कॉटेज कॉर्बेट, ये पीछे दिख रही है, ट्रैक के लिए जा रहे हैं मैं, साकेत, मदन। जो टाइगर की दहाड़ और हमारी दौड़ वाला वीडियो था वो सामने का ही था। उस दिन भी हम ट्रैक पर गए थे, वो अनप्लान ट्रैक था, आज का प्लान्ड है। एक मंदिर है नीचे, एंशिएंट मंदिर है, वहाँ जाएंगे। वहाँ पे कई लोग खजाना ढूंढने भी जाते हैं, और जो लोकल्स के रिचुअल होते हैं उसमें यहाँ पे प्रेत बाधा दूर करने की पूजा करने भी लोग जाते हैं जंगलों में, वो भी वहाँ जाते हैं। घना जंगल है, सुबह सुबह अभी कॉल हो रही थी तो लेपर्ड या टाइगर के लिए कॉल होगी। डंडे हैं हमारे पास, हम तो डंडे लेके ही चलते हैं, तो चलते हैं, देखिए क्या होता है। इस बार भी भागना पड़ता है क्या, टाइगर की दहाड़ और हमारी दौड़ पार्ट टू तो नहीं बन जाएगा? जो भी बनेगा, जंगल में ट्रैकिंग तो करता ही रहता हूँ, तो चलिए दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो कॉटेज है, वो गाड़ी दिख रही है मेरी, सामने पहाड़ का व्यू आ रहा है, उसके ठीक सामने से हम ये नीचे उतर रहे हैं। और ये है रवीन, पहाड़ी नाला, और ये टाइगर की फेवरेट जगह होती है। आपने इतनी स्टोरी सुनी है कि टाइगर तो पसंद ही करता है नाले में चलना। ये इस रूट को लेपर्ड ही फॉलो करता, तो ये जो निशान दिख रहा है ये लेपर्ड का पगमार्क है। क्या है? पेड़ से गिरता है। अच्छा, ये पेड़ से निकलता है। अच्छा, ये गोंद है साल की, राल, वही गोंद ही होती है। तो ये दवाई भी काम आती है और जलाने के काम भी आती है। ये देखिए दोस्तों, ऊपर से हम नीचे उतर गया है, तो बहुत सारे लोग, ये आ गया रवीन, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि, अभी ये झाड़ी पैर में फंस गई थी, कि पहाड़ी नाला कैसा होता है। कई लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पे फोटोग्राफ शेयर किया कि ऐसा होता है क्या, तो ये वीडियो देख लो आप, ये होता है पहाड़ी नाला। और जितने भी स्टोरी में होते थे कि रिवर बेड पे रेत होती थी, कहीं कहीं गड्ढों में पानी होता था, तो आप देख रहे हो ये रेत है। यहाँ गड्ढों में पानी नहीं है, सूख चुका है, लेकिन कई जगह होता है पानी, तो इस तरह के पत्थर यही से होता है। और ऊपर लोग बोलते थे कि 6 फीट चौड़ाई, 4 फुट गहरा, ये अगर देखोगे तो किनारों की चौड़ाई तो बहुत ज़्यादा है, गहराई देखोगे तो उतनी ही है। हमारे पास दो ऑप्शन है ट्रैकिंग के, एक तो इस नाले नाले से 1-2 किलोमीटर अंदर जाना, जहाँ टाइगर की टेरिटरी है, जहाँ बैल बैल को मारता है वो। वो है काफी डेंस, जहाँ वो तो उस दिन गए थे, जहाँ बैल ने 2 बार मारा है, उसके बाद भी 1 बार और मारा है बैल को टाइगर ने। एक है इस साइड को ऊपर ट्रैक करके जाना, वहाँ पे ये लोग कहते हैं, गांव वाले ऐसा कहते हैं कि वहाँ कोई पत्थर वत्थर, क्या है वहाँ पे खजाने वाला, कौन सा मिला? वो धन का पत्थर है, धन का पत्थर। धन मिला है किसी को? अभी तक तो नहीं मिला है। दो लोगों ने एक बार किसी, तो उनका दिमाग थोड़ा मेंटल हो गया, ऐसा कहते हैं। कहते, चलो उधर ही चलते हैं। तो क्या क्या फैसला करना है, किधर को चलना है बताओ, इधर या इधर? टाइगर तो दोनों जगह मिलेगा। हाँ, वैसे ये वाला सही रहेगा रास्ता, ये ऊपर वाला, हाँ पत्थर वाला, हाँ पत्थर वाला। चले कि इधर को चलना है, पता है पूरा रूट पता है? ये देखिए, ये जो इस तरह के छेद होते हैं ना, इसमें सांप कब्जा कर लेता है, अंदर जो भी रहता है, चूहा वगैरह, वो सब खा जाता है सांप और रहने लगता है खुद। ये भी इस तरह के, ये बांबिया बोलते हैं, सांप की बांबी। और ये देखिए व्यू, 360 डिग्री व्यू, घना जंगल है, टाइगर लेपर्ड सब भरे पड़े हैं, लेकिन हम लोग 4 लोग हैं,
साथ साथ चल रहे हैं तो किसी तरह का खतरा नहीं है। अभी हमारे साथ नवीन जी चल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि थोड़ा धीरे बोलेंगे हम लोग, लेपर्ड के दिखने के चांस हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी आवाज़ ही ऐसी है कि वो धीमी निकलती नहीं। ये देखिए जंगल की ब्यूटी देखिए, चारों तरफ, और जिम कॉर्बेट है तो जानवरों के बारे में किसी को कोई डाउट तो होगा नहीं। ऊपर इस तरह से है, ये देखिए जंगल की साउंड, ये जितने शिकारी होते थे ये जंगल में एंटर करने के पहले थोड़ी देर खड़े होके आवाज़ें सुनते थे, किस तरफ से क्या आवाज़ आ रही है, उससे ये आइडिया लगाते थे कि टाइगर कहाँ है और लेपर्ड कहाँ है। एक ड्राई रवीन ये भी आ गया, छोटा नाला है, और ये देखिए व्यू, बारिश में रहता है निशान है जो पानी के, बाकी टाइम पे इसका कोई अपना वाटर सोर्स नहीं है, पहाड़ का जो पानी कैचमेंट होता है वो बह के निकल जाता है। सांबर डियर के खुर हैं, बीच बीच में इनकी ड्रॉपिंग्स भी है, ये कोई यहाँ पे कैटल नहीं आते, ये डियर वगैरह के ही निशान है। और ये देखिए ऊपर की ब्यूटी, चारों तरफ दूर दूर तक घना जंगल है। ये देखिए दोस्तों, ये जो स्पॉटेड डियर का जो स्टैग होता है ना, जिसके बड़े बड़े सींग होते हैं, ये देखिए उसने ये अपने सींग को रगड़ता है ताकि इसकी खुजली मिटे, तो ये वो निशान है। ये मूवमेंट हुआ है, ये देखिए इधर को गया, ये टाइगर का पग मार्क है, ये मूवमेंट हुई है इधर को, इसका मतलब हम अपोजिट जा रहे हैं, हम सेफ है। ये देखिए ये इधर को गया, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये और ये इसके पंजे के निशान है, ये टाइगर का पग मार्क है जो मैंने गोल घेरा बनाया उसके अंदर, और ये आज का ही है दोस्तों। ये जो पग मार्क मिला है ये दिखा रहा है कि टाइगर अपोजिट डायरेक्शन में गया, मतलब टाइगर गया है वहाँ और हम जा रहे हैं वहाँ। अब ह्यू एलन की तरह कहानी ना हो जाए कि लेपर्ड के चक्कर में पता चला कि टाइगर भी था वहाँ पे, तो लेकिन चार लोग में हम 100% सेफ हैं तभी जा रहे हैं, चार लोगों मतलब ही नहीं, बहुत होगा तो हमें दहाड़ के भगा देगा। ये देखिए दोस्तों, ये जो बरगद का पेड़ है इसकी डाल पे दोनों तरफ पैर लटका के लेपर्ड बैठा रहता है, और वहाँ पे वो बता रहे हैं कुछ दिखा है। तो दीमक की बांबी है, मैंने बताया था कि दीमक प्योर वेजिटेरियन होती है, लेकिन वो सिर्फ सूखा पेड़ खाती है। ये देखिए पेड़ से सट के खड़ी है, पेड़ में दीमक नहीं लगी, पेड़ एकदम हरा भरा है दोस्तों। ये जो है ना, ये देखिए, ये जो सांभर या चीतल के सींग हैं, और इस पेड़ पे ये देखिए क्लाव मार्किंग है, ये देखिए साफ साफ नाखून के निशान है, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए एक दो, और ये देखिए ये बिल्कुल ताज़े नाखून के निशान है। तो इस पर लेपर्ड लेके चढ़ा है, तो ये जो है आप देखिए यहाँ से आप साफ देखिए सींग, सींग के बगल में ये आप साफ साफ मार्किंग देख पा रहे हैं, क्लॉ मार्क, इस पर चढ़ा था लेपर्ड, ये देखिए बिल्कुल ताज़ा, हमारी उंगली रखी, दूसरा ये, तीसरा ये, और ऊपर है यहाँ तक देखिए, ये देखिए ऐसे चढ़ के गया, खाया, और उसके बाद में सींग यहीं छोड़ दिए। ये आज का नहीं है, ये है एक आध हफ्ते पुराना, ये काफ़ी कंफर्टेबल होता है तिरछे पेड़ों पे चढ़ता, और सीधे में भी जाता है, लेकिन अब जैसे सीधे पेड़ है इस पर, हाँ इस पर चढ़ के वहाँ बैठेगा, वो जो फोर्क है वहाँ पे, तो ये जो इसमें वो पसंद करता है, तो ये साफ साफ आप देखिए सबूत मिल गए, अच्छा लग रहा है कि ये आप देखिए एकदम एकदम क्लोजअप देखिए, ये देखिए, ये देखिए ये निशान है लेपर्ड के दोस्तों। ये जो पीछे पेड़ दिख रहा है, देखिए कितनी बड़ी साइड देखी, दो दो सींग टंगे हैं, मतलब यहाँ कई बार उसका फेवरेट पेड़ है, इस पर मार के लेता है, बॉडी लेके आता है और आराम से बैठ के खाता है, ये ऊपर बैठने की जगह है, सींग अटक गए लाने में, छोड़ के चला गया दोस्तों। ये है टाइगर ने यहाँ पे शूशू करी हुई, ये निशान ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं, ये पुरानी शूशू है यहाँ करे हुए, और ये देखिए पीछे का व्यू, इस साइड का व्यू, वो तिरछा वाला पेड़ जिसमें लेपर्ड खाना खाता है, और ये देखिए
ये सब हम पहाड़ी नाले नाले चलेंगे। देखिए सांबर डियर की पोटी है, खुर के निशान भी होंगे, देखिए निशान है ना, ये खुर के निशान है। और ये पेड़ तिरछा है, इसमें भी क्ला मार्किंग हो सकती है ध्यान से देखा जाए तो, लेकिन ताज़े नहीं है, पुराने हैं तो वो काले पड़ जाते हैं ना, एक एक वो ब्राउन ब्राउन सा दिख रहा है ना। हाँ तो ये जो है इस पे भी चढ़ता है लेपर्ड। अभी दोस्तों हम लोग जा रहे हैं जो टाइगर का एरिया है, ये पूरा एरिया टाइगर का है, टाइगर का कोई एरिया नहीं होता, कहा जाता है इलाके कुत्तों के होते हैं, शेर का कोई इलाका नहीं होता, वो जहाँ चला जाता है। लेकिन जो मैंने पहले बताया था कि एक मंदिर है जहाँ पे लोग खजाना ढूंढने जाते हैं, दो तीन लोग बता रहे हैं पागल भी हो गए, तो ऐसा हमारा कोई धार्मिक मान्यता को चैलेंज करने का कोई इरादा नहीं था कि हम जाके दिखाएंगे और हम पागल नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं। हम वहाँ नहीं जा रहे अननेसेसरी, क्योंकि सांप वगैरह बहुत होते हैं और टाइगर से डर नहीं लगता, सांप से बहुत डर लगता है मुझे, तो इसलिए हम नॉर्मल टाइगर के टेरिटरी में घूम रहे हैं और उस इलाके में नहीं जा रहे। दोस्तों ये आवाज़ सुनिए, ये कट फोड़वा वुड पैकर ठोक रहा है कहीं पे, और यहाँ दूसरी बर्ड की आवाज है। अभी तक इसमें से कोई भी अलार्म कॉल नहीं है। ये इसी के पेड़ के ऊपर वुड पैकर है, और ये जो पत्ते पड़े हैं, मुझे याद है जब उस दिन शेर की पहली आवाज आई तो मेरा कैमरा बंद था, तो जब मैंने स्टार्ट किया तो इसी को फोकस कर रहा था, फिर मैंने ऐसे उठाया तब उसकी आवाज़ दूर से सुनाई दी थी। एरिया वही है, ये देखिए पीछे से आवाज़ सुनिए आप, ये फां ऐसे अलग अलग बर्ड्स की अलग अलग आवाज़ आ रही है, और ये अपने साथियों को बता रहे हैं कि कुछ बाहर के लोग आए हुए हैं। ये देखिए, ये क्लियर देखिए, आपको पाँचों उंगलियाँ दिख रही होंगी, पास ले जाता हूँ, देखिए ये टाइगर का पग मार्क है बड़ा सा, और यहाँ पे हड्डी पड़ी हुई है, ये देखिए ये हड्डी पड़ी हुई है, टाइगर पक्का देख रहा है, लेकिन यह देख नहीं रहा तो आराम से हमारी आवाज़ सुन रहा है, आएगा नहीं, चार आदमी हैं, ये पूरे निशान यहाँ पे उसी के नीचे, कितनी बार दिखाऊँ आपको, तो आएगा नहीं क्योंकि चार आदमी में टाइगर नहीं आता, लेपर्ड तो बिल्कुल नहीं आता, दो में भी नहीं आता। हाँ उसको पसंद नहीं आएगी ना हमारी प्रेजेंस, तो एक बार दहाड़ के हमें बता देगा कि चले जाओ यहाँ से, और हम चले जाएंगे पिछली बार की तरह से। यहाँ भी देखिए निशान है, बंदर बोला? नहीं बंदर नहीं बोला, अभी मुसीबत में नहीं, कोई मुसीबत कुछ नहीं, आए तो बस एक जगह रहना, भागना नहीं है, तो कुछ नहीं है इसमें, चार बंदों में आने का मतलब ही नहीं है। ये देखिए ये येलो कलर की होती है, राइट, अभी लाल वाला ही पूरा झुंड था, अब ये देखिए लाल वाला आ गया, ये देखिए लाल वाला आ गया, ये सब आ रही हैं, और ये जो कॉल कर रहे हैं ये हमारी प्रेजेंस के बारे में अपने साथियों को बता रही हैं कि भाई कुछ बाहर के लोग आ गए। देखिए एक बर्ड हमारे लिए अलार्म कॉल कर रही है, अभी करेगी, ये वुड पैकर अपने काम पे लगा हुआ है, ये देखिए बार बार एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। एंड कलर इज ग्रीन। दोस्तों यहाँ पे सड़े मांस की स्मेल आ रही है, नवीन जी बोल रहे हैं कि टाइगर है आसपास, कुबेर जी कि टाइगर आसपास है, जिन्होंने भी फॉरेस्ट में काम किया हुआ है, तो टाइगर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, कहीं लेट के आराम कर रहा है, पूरी स्मेल है। या तो किसी जानवर को मार रखा है, या तो उसका पड़ा हुआ शिकार है, और या फिर खुद टाइगर बैठ के लेटा हुआ आसपास ही, लेकिन ये स्मेल तो टाइगर की है। एक्चुअली जो टाइगर की स्मेल सड़े मांस की क्यों आती है, क्योंकि वो मांस खाता है, मैंने अपने लाइव में भी बताया था, और तो उसके पंजों में खून तो लग ही जाता है, मांस भी लग जाता है, जितना वो चाट के साफ कर लेता है, उसके अलावा मुंह तो साफ करते नहीं, तो क्योंकि दिन भर वो टाइगर और लेपर्ड मांस के बीच में रहते हैं, इसलिए उनसे सड़े मांस की स्मेल आ रही होती है, क्योंकि उनकी बॉडी में ही लगा होता है कुछ ना कुछ,
और वैसे कई लोग बोलते हैं कि टाइगर से बकरे की तरह स्मेल आती है। अच्छा ग्रेट हॉर्नबिल, दोस्तों हॉर्नबिल उड़ गए, देख रहा हूँ दोस्तों, ये देखिए ये गोल गोल ये रास्ता दिख रहा है मेरी उंगली की सीध में, ये जानवर टाइगर वगैरह के जाने का रास्ता है। झाड़ियों से जब एक ही रास्ते से निकलते हैं तो निशान बन जाते हैं। तो दोस्तों एकदम टाइगर आसपास है, हम टाइगर के पास हैं। कई लोग बोलते हैं इतना खतरा मत लिया करो, तो मैं बता दूं चार लोगों में खतरा नहीं है, अपनी प्रेजेंस भर वो बता सकता है लेकिन आएगा नहीं, अटैक नहीं करेगा, ये हमें पता है। तो ये है कि टाइगर हमारे पास में है, हम उसके इलाके में हैं। दोस्तों हॉर्नबिल बोल रहा है बड़ा वाला, ये कौ कौ जो है ना इसी पेड़ पे है, देखते हैं पास से अगर दिखता है तो। वो मदन की आवाज़ आ रही है कि वहाँ से कोई जानवर निकला भी, ताज़ा ताज़ा। आज एक दूसरे ट्रैक पे भी जाना है, बामेश्वर महादेव, तो अभी कॉटेज जाके नाश्ता वाश्ता करके फिर निकलते हैं। ये अभी अभी देखिए सामर डियर गया है, एकदम ताज़ी ड्रॉपिंग्स है। हाँ, वो बैठा है, वहाँ बैठा है। ठीक है ठीक है, बोलना मत कुछ, देख लिया हमने। हाँ ये देखिए ये टॉयलेट के पूरे पे, हाँ ये टॉयलेट किया है, खून है, खून ही है ये, नहीं नहीं ये खून ही है। इतनी दूर गया बस, ये किसने किया? सांभर हो सकता है, सांभर ने, हाँ सांभर का ही लग रहा है क्योंकि सब जो ड्रॉपिंग्स है वो सांभर। ये काफी सारा शूशू पड़ा हुआ है, ये है सांभर का। स्मेल भी आ रही है सांभर की। हाँ वो, अरे वो देखिए कितना बड़ा सांप, पीछे भी बैठा है। हाँ नहीं यहाँ से शूट अच्छा हो रहा है। ये देखिए, ये देखा आपको, ये है बहुत रेयर साइटिंग होती है, ग्रेट हॉर्नबिल, ग्रेट हॉर्नबिल है, धनेश कपल है, ये जोड़े में ही रहता है। ये देखिए ये देखिए, इसका दिखना दोस्तों कुछ कुछ वैसा ही है जैसे कि टाइगर दिख जाना। ये देखिए दिख रहा है ना ऊपर जा रहा है, ये इससे इसमें कुछ रहा है। अच्छा पेड़ के ऊपर से किया, पेड़ के ऊपर बैठे बैठे लंगूर ने ये सुसु करिए, जंगल की साउंड सुनिए। वो अभी बैठा, अरे देखो देखिए अभी भी क्लियर विजन में आ रहा है, ये फोर के ठीक ऊपर ही है, देखिए ये देखिए कितना बढ़िया व्यू आ रहा है। ये देखिए इसके ऊपर, बीक के ऊपर एक बहुत बड़ा ताज होता है, मुकुट होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं धनेश हिंदी में। ये एक येलो बीक हॉर्नबिल भी होता है, अब इसका देखना पड़ेगा। आपको पता है बर्डिंग का मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स को है। ये बहुत बड़ा बर्ड होता है, ऑलमोस्ट वल्चर के साइज का। ये देखिए ये देखिए उसकी पूरी बीक आ रही है सामने। यहां मैंने फोकस कर दिया, आप जंगल की साउंड भी सुन पा रहे होंगे। ये देखिए गर्दन घुमाई उसने। ये वापस चल रहे हैं हम, दो पहाड़ी नाले उतरे थे, ये पहला है और अभी तक तो हम बाइज्जत जा रहे हैं।
उस दिन तो मैं टाइगर ने भगाया था, उस दिन तो हम बोल सकते थे बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। हाँ टाइगर यही है। ये कुबेर जी बता रहे हैं टाइगर यहीं पे है। बकरे की तरह से स्मेल आ रही है। पंजा मारा है ये देखिए, पंजे मारता है उसने भी ताजा पंजा मारा। मैंने बोला ना टाइगर है। टाइगर अभी हमारे आगे ही है। आप लोग जब बात कर रहे थे ना तो इधर से कुछ जानवर की आवाज आ रही थी दहाड़ने टाइप की। एक मिनट जो दोस्तों देखिए, अभी अभी टाइगर यहाँ से गया है और ये आप खरोचने का निशान देख रहे हैं ना, ये पंजे मार के उसने ये देखिए उसके नाखून का निशान है। ये देखिए उसने मिट्टी में पूछे, ये पत्थर के ऊपर मिट्टी पड़ी हुई है। दोस्तों यही पास में टाइगर है, हमें देख रहे हैं टाइगर और पास में ही है। अभी अभी मैंने बोला कि इस बार हम बाइज्जत आ गए, लगता है इस बार भी भगा के ही मानेगा। एकदम हमारे आसपास है और क्या पता उसने हमारे लिए जो गुस्सा है उसी लिए उसने मिट्टी खुर्ची है। लेकिन इस बार हम नॉर्मल चाल से जा रहे हैं क्योंकि उसने हमें कोई वार्निंग साइन नहीं दिया है, मतलब वो चार्जिंग के मूड में नहीं है फिलहाल तक। पर कहीं कोई साइन दिख रहा है उसका तो पूरा मूवमेंट है। अच्छा मतलब टाइगर हमसे 2 किलोमीटर दूर है? नहीं नहीं, हम 3 किलोमीटर दूर है जहाँ से हम आए। हाँ, और ये कह रहे हैं कि यही जगह है जहाँ बैल मारता है ना। हम प्रॉपर उस जगह पहुँच गए, मतलब टाइगर आसपास ही है ना। बिल्कुल ये कुबेर जी जो हैं इन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी काम किया हुआ है और जिन झाड़ियों में हम चल रहे हैं ना काफ़ी घनी झाड़ियाँ झाड़ियाँ क्या है छोटे छोटे सैपलिंग्स हैं। ये साल के पेड़ हैं। ये देखिए इस तरह के जंगल से हम गुजर रहे हैं, साल के नए नए पेड़ और पूरे चांसेस हैं टाइगर जी के दर्शन होने के क्योंकि खुले इलाके में आ गए हम। यहाँ दिख सकता है टाइगर, दिख सकता है दोस्तों। मदन यहाँ 5 घंटे घूमता रहा था, रास्ता नहीं मिला था। यहाँ पे मैं कैमरा ऑन ही रखता हूँ क्योंकि जब वो दिखता है ना तो कैमरा ऑन करने का दिमाग में नहीं आता। मुझे लग रहा है कि टाइगर हमें दिखेगा क्योंकि वो फील हो रहा है। खास बात यह है कि अभी कोई कॉल नहीं हो रही लंगूर की डियर की। तेजी से दौड़ा तो नहीं है शिकार के पीछे? हाँ,
जो भी है मतलब फिसलन है बरसात में फिसला होगा ना, तो ये पूरा टाइगर का पंजा है 100%। ये देखिए ये यहाँ से टाइगर का पंजा, या तो ये दौड़ा है यहाँ से, ये देखिए नीचे का है। हाँ, नीचे को। अच्छा, तो ये उधर से नीचे आया और देखिए यहाँ से ऊपर से नीचे को। हाँ, ये देखिए साफ साफ पंजा है। ये देखिए जहाँ मेरा जूता है ये फिसला हुआ पंजा है। और आगे मिल गया, ये देखिए, ये ना यहाँ से उसने तेजी से दौड़ा। ये देखिए, ये देखो क्लियर पंजा है ये। ये देखिए इसके नाखून जो है ना, इधर से अच्छा मेरे को तो ये देखिए, ये इसके नाखून, ये दो नाखून जहाँ जमे हैं, देखिए बहुत बड़ा टाइगर है। देखिए उसने ये पक्का भाग रहा था। इस दोनों पेड़ के पीछे कोई चीज ऐसे करके भाग गई थी। तो ये देखिए सर, ये बोल रहा हूं, ये देखिए ये भी टाइगर है। हां टाइगर, यहां पे अभी उसके दोनों पेड़ के पीछे दो तीन पेड़ दिख रहे हैं ना पीछे, उसके पीछे से मैंने भी भागते हुए देखा, किसी ने देखा होगा, लेफ्ट से राइट भागा है यहां पे 100% चांस है ना। वो तो मैंने, मुझे भी लग रहा था, देखे जब मैं वहां से आया ना, मुझे लग रहा था मैंने अभी देखा है उसको, किसी चीज को यहां से लेफ्ट से राइट को भागते हुए। चुप यहाँ से बर्ड्स की आवाज भी आ रही है। चुप। इसी तरफ है जान जा रहे हैं। जहाँ हम जा रहे हैं तो उसकी जो साउंड हो रही ना, टाइगर हमारे आगे ही है। इसी जगह के अभी भागने की निशानी है पूरी, ये रहा। हाँ, पत्थर हटा इसका, कहीं से पहले निकला है अभी, से ही नहीं होती कांटे वाली। हाँ, उसकी पोटी है ये, जो देखो पॉर्क्यूपाइन होता है ना उसकी पोटी है। यहाँ ना थोड़ा दूर देखो, पक्का दिख जाएगा, थोड़ा जो ओपन स्पेस है ना वहाँ दिखेगा। ऐसी कंडीशन में टाइगर दूर से जाता वो दिखेगा जरूर। ये जो बर्ड्स की आवाज़ सुन रहे हो दोस्तों, ये जो अजीब सी शांति है, हम टाइगर के एकदम पास में। यहाँ पे टाइगर है, वो तो डियर, बार्किंग डियर था क्या? वहाँ निकल, वो देखो हाँ, वो बार्किंग डियर के, वो भाग रहा है, देखिए वो भाग। हाँ, स्पॉटेड नहीं, बार्किंग डियर है, मुंजा का। हाँ, बार्किंग डियर, ठीक है, वो गया, वो सामने गया। इधर इधर लेफ्ट साइड पे अभी दिख जाएगा, चले। नहीं, जाना हम लोग उधर से ही है। अच्छा चलो, मैंने कहा ना कोई जानवर मैंने भागते हुए देखा कोई स्पीड में, लेकिन वो उधर देखो। जिस तरफ डियर भाग रहा है हमेशा उस तरफ जाना सेफ होता है। चीते की चाल और बाजीराव की नजर पे शक नहीं करते, हालांकि उसकी तलवार है। अब शक नहीं करूंगा क्योंकि बड़ी स्पीड में भाग के गया था। अगर आपने देखा इसका मतलब पूरी प्रेजेंस है इधर।
फुल मजा आ रहा है बस। ऐसा एडवेंचर मुझे बहुत पसंद है, हालांकि सब लोग बोलोगे उसकी जी बहुत खतरा लेते हो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इतना पसंद है ये। कोई भरोसा नहीं ऐसा करते एक दिन मेरा काम हो जाए। वो देखिए सर, वो खड़ा है, इधर आइए मेरे पास जल्दी आइए। वो गया। हाँ, वो भी मुंजा गया पार्किंग डियर है, वो गया। दिखा आप लोगों को। हाँ, मुझे दिखा। अब ये जो है दोस्तों, दो अलग अलग दिखे थे। कांकड़ जो होता है बार्किंग डियर, मुंजैक डियर फैमिली का सबसे छोटा डियर है। ये अकेले रहता है, एक या दो अगर मेल फीमेल है। और इसकी खास बात क्या है, ये सिर्फ घास नहीं खाता, कीड़े मकोड़े, छिपकली, अंडे, ये सब खाता है। ओमनीवोरस है, मतलब जनरली आप सोच नहीं सकते ना कि डियर नॉन वेज खा रहा हो, ये खाता है। ये देखिए 360 डिग्री का व्यू दिखाता हूँ मैं यहाँ से, जिस जंगल में हम हैं। ये देखिए, ऊपर का देखिए, ये देखिए, क्या है? अच्छा, हड्डी, बहुत पुराना है। मतलब कहने का मतलब ये है, ये भी सांभर बड़ा वाला है ना। हमारे गांव में गोदराम जी है, उनकी अभी भैंस मारी हुई थी यहाँ पर, इस साल के पेड़ पर, यहाँ पर साल के और इस साल के पेड़ के बीच में। अच्छा, यहाँ पर अभी करीबन 4-5 महीने हो रहे हैं। हाँ, और ये बंदूक क्यों चला रहे हैं पटाखे? ये तो बंदरों के लिए या जंगली जानवरों के लिए, मतलब अच्छा, भगाने के लिए, क्योंकि खेती बाड़ी का काम हो रहा है ना। हाँ, तो इसलिए नुकसान करते हैं जानवर। ये दीवार दोस्तों हाथी के लिए बनाई गई है कि गाँव में हाथी ना जाए। और हम बाहर आ गए बाइज्जत। ये कैसी बेल लटकी हुई है, सांप की तरह। अभी इन झाड़ियों से निकल के हम आए। सांप का डर नहीं है क्योंकि हाई एंकल शूज पहने हुए हैं और ये मोटा पैंट है, इसमें सांप नहीं काट पाता। ये ताज़ा है, अभी ये समर डियर की ही पोटी है। ये हाथी ने सब तोड़ा है और बांस उसका उतना ही फेवरेट है जितना कि गन्ना। इस जंगल से नीचे से हम उधर बहुत आगे तक गए थे, वहाँ से इन लोग छत पर से देख रहे थे। हाँ, अच्छा, वहाँ तो काफी दूर था। हाँ, लेकिन वो ऊपर से दिख रहा था, इधर कोई आया है। हाँ, दोस्तों ट्रैक करके जंगल ट्रैक करके वापस आ गए, इस बार भगाए नहीं गए, लेकिन टाइगर था हमारे पास में, स्मेल आ रही थी, पंजों के निशान तो आपने देखे ही दिखाए। तो चलिए दोस्तों, एक ट्रैक और करना है आज पहाड़ के ऊपर का, करीब 3 किलोमीटर की मुश्किल चढ़ाई है। चढ़ने तो ठीक है, उतरने में हालत ख़राब होती है। चलिए, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम।